मनोज कुमार मिश्रा। मनोज का क्या अर्थ हुआ सर? मनोज का अर्थ कामयोग की पर्यायवाची माना जाता है। मनोज वो मनोज वहाँ जो इस्तेमाल हुआ और ये इसमें अंतर है या सर उसमें वहाँ से ही किया गया? अच्छा, उसमें ये हुआ कि मनोज मार्ग तुलवेगन जितेंद्रिय बुद्ध मताभुष मतलब ऐसे भगवान बजरंगबली के लिए कहा गया कि जो काम पे अपने कंट्रोल नियंत्रण रखे। आपने लॉ सब्जेक्ट लिया हुआ है? जी सर। और लॉ प्रैक्टिस भी कर रहे हैं? जी सर। लॉ आपने किया भी है? जी सर। और उसके पहले बीएससी में क्या सब्जेक्ट्स थे आपके? सर जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और रसायन विज्ञान। हम लोगों को अकेले आप अब तक सारे कैंडिडेट्स से मिले हैं जिन्होंने जो पढ़ा है वही सब्जेक्ट लिया है। जी सर। तो सर ये मेरा तीसरा साक्षात्कार है। अच्छा, ये तो मेंशन नहीं किया आपने फोन में, छूट गया होगा सर। इसके पहले सहायक अभियोजन अधिकारी का मैंने दो बार माननीय आयोग में साक्षात्कार दिया। अच्छा, और जो जुडिशियल सर्विसेज हैं प्रोविंस की उसमें नहीं अपीयर हो रहे सर? पीसीएसजे में? सर पीसीएसजे में जब हम लोग एलएलबी किए थे तो यूपी में करीब 6 साल तक कोई जुडिशियल रिव्यू में या पीसीएसजे में कोई वैकेंसी नहीं है। अच्छा। यस सर, 2006 से 2012 के बीच में जुडिशियल में कोई वैकेंसी नहीं है 6 साल तक आता। उसके बाद फिर सर बहुत ही कम वैकेंसी आई जिसमें एक दो सेशन में मैं अपीयर हुआ लेकिन हो नहीं पाया। फिर लेकिन मैंने सहायक अभियोजन अधिकारी के 2015 का साक्षात्कार और 2018 का साक्षात्कार माननीय आयोग में लिया। पहले साक्षात्कार में क्योंकि मेरी पहला मुख्य परीक्षा थी इसलिए उतना मेरी तैयारी सही नहीं थी, और दूसरे में सर सीट बहुत कम थी, 17 सीटें थी। अच्छा। तो उसमें भी मैंने साक्षात्कार लिया था लेकिन कुछ एक दो नंबर से मेरा अंतिम चयन नहीं हो पाया था। क्या कारण नहीं बताया गवर्नमेंट ने कि क्यों इतने कम वैकेंसी या पीसीएस जे में इतने साल तक 6 साल तक वैकेंसी का थोड़ा ड्रॉबैक है सर? जैसे देखिए कि हम लोग जब पीसीएस जे का अटेम्प्ट किए तो केवल 70 सीटें हैं और उसके बाद वो सीटें बचाए रखी 2018 में 610 सीट थी और मेरा केवल 6 महीने से मेरे पास अटेम्प्ट था लेकिन मैं एक बार हो गया था। तो वो प्रक्रिया है सरकार की कब देते हैं कब नहीं देते हैं, क्योंकि हाई कोर्ट से वैकेंसी जाती है उसमें राज्य सरकार का भी इतना ज़्यादा कोई। ये आपका एलएलबी में 3 इयर्स था 5 इयर्स? 3 इयर्स था सर। और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स क्या रखे थे उसमें आपने? लॉ ही था मेरा ऑप्शनल। थर्ड ईयर में ऑप्शनल उसके पेपर्स होते हैं? ऑप्शनल नहीं था सर, वो कोर्ट का रहता था किसी वकील के साथ लोगों को अटैच किया गया था। तमाम यूनिवर्सिटीज में तो ऑप्शनल्स रहते हैं कि आप ये कॉन्स्टिट्यूशन उस समय नहीं था। उस समय नहीं था सर, उस समय नहीं था। उस समय नहीं था। तो आप किस फील्ड में प्रैक्टिस कर रहे हैं और आपका पढ़ते समय लॉ में कौन सा फील्ड ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा था? सर पढ़ते समय मैं आईपीसी और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में ज़्यादा इंटरेस्ट लेता था और इस समय मैं क्रिमिनल में हाई कोर्ट में माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के लखनऊ खंडपीठ में अधिवक्ता के रूप में कार्य कर रहा हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन आपको पसंद था? हाँ कॉन्स्टिट्यूशन सर पढ़ते थे क्योंकि पॉलिटी का भी पार्ट रहता था तो थोड़ा सा इंटरेस्ट ज़्यादा रहता था। जीएस में भी कवर होता था। कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल पढ़ के सुना पढ़ते नहीं मतलब याद है आपको सुना सकते हैं? सुना सकते हैं बताइए। हम भारत के लोग भारत को एक दुर्बल संपन्न समाजवादी पंथ लोकतांत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विश्वास विचार विश्वास स्वतंत्रता की पढ़ लीजिए, पढ़ के यही सुना दीजिए फिर उस पर आगे प्रश्न मैं ऊपर ही सबसे। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उनके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर
अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एकत्र द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अंगीकृत मतलब? अंगीकृत का मतलब होता है सर कि इसको अपने में समाहित करते हैं, स्वीकार करते हैं। अधिनियमित मतलब? इनैक्ट मतलब उसको कानून की तरह एक तरह से बनाया जा रहा है, नियम नियम बनाया जा रहा है 26 नवंबर 1949 यानी कि लागू हो गया। जब नियम बन गया तो अधिनियम जब ये बन गया तो फिर 26 जनवरी की क्या भूमिका? सर पूरा प्रोविजन उस दिन 26 नवंबर 1949 को लागू नहीं हुआ था। सारे जो आर्टिकल्स थे जो बेसिकली 15 आर्टिकल्स ऐसे थे जिनको 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया था, बाकी 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण जो है संविधान लागू हुआ था। अच्छा और तीसरा शब्द क्या है? आत्मार्पित। आत्मार्पित का क्या अर्थ? सर आत्मार्पित का अर्थ होता है कि स्वयं को इसको अर्पित करना। स्वयं को अर्पित करना होगा, खुद ने बनाया खुद को अर्पित कर दो। तो अगर ये सवाल पूछा जाए आपसे कि संविधान किसने बनाया तो इसका क्या उत्तर देंगे? संविधान हम भारत के लोगों ने बनाया है, हम भारत के लोगों को ही इसको लागू करना है और अपने अपने लिए इसको चला अपने अपने लिए चला इसको भारत जो है पूर्ण स्वतंत्र राज्य है, इस पर किसी विदेशी शक्ति का या कोई अन्य शक्ति का कोई हस्तक्षेप नहीं है। अन्य शक्ति मतलब विदेशी? जैसे पहले चूंकि पूर्व में सर हम लोग ब्रिटिश हमारे ऊपर, वो तो विदेशी शक्ति हो ही गया। हाँ? विदेशी के साथ अन्य जब आप इस्तेमाल करते हैं, अन्य कोई और इन्फ्लुएंस, इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस कई संगठनों के पढ़ते हैं या कुछ भी पढ़ते हैं तो उनसे कोई तरह से स्वतंत्र इंटरनेशनल चाहे कहिए चाहे आंतरिक भी विद्रोह उस समय हो रहे हैं करना चाहते थे कि निकालना चाहते थे। बाह्य और आंतरिक किसी तरह का दबाव नहीं हो सकता। अच्छा संविधान पर एक अक्सर दोष दिया जाता है कि हमारे संविधान ने जो ब्रिटिश तमाम कानून थे आईपीसी सीआरपीसी यह सब तो वैसे ही छोड़ दिया, तो फिर कैसे कहें कि यह हमारा संविधान हमारे लिए हमारे देश का है? क्यों नहीं उन सब आईपीसी सीआरपीसी इनकम टैक्स या जो भी एक्ट्स थे उनको क्यों नहीं उसी समय रीराइट कर दिया? वही कानून चल सकता है वही जो या तो संविधान में लिखा है या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जिन जिन अर्लियर एक्ट्स को अप्रूव किया है और कोई नहीं चल सकता, चाहे वो सीआरपीसी हो आईपीसी हो सबको कॉन्स्टिट्यूशन ने अप्रूवल हुआ है उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। तो जब हम पुराने इतने कानूनों को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो हमारा कानून पूरी तरह से इंडियन हुआ नहीं, ब्रिटिश कानून भी बहुत हद तक चल रहा है, तो फिर क्या कहा जा सकता है कि हमने अपना देशी कानून से देश चलाना शुरू किया? तो यही सबसे एक विरोध किया जाता, बहुत सारे लोग संविधान का विरोध करते हैं, इसने बहुत सारे विदेशी कानूनों को चालू रखा, इसके बारे में आपको क्या कहना है? उनका ये विरोध सही है कि नहीं है? सर जो कानून होते हैं वो समाज के हिसाब से बनाए जाते हैं। जब हमारे संविधान का निर्माण किया गया तो उस समय विश्व के अन्य संविधानों को देखते हुए और उनके अनुभव को देखते हुए उसका निर्माण किया गया। जो हमारे आपराधिक विधियाँ थी या जो हमारे लॉ के अन्य भाग थे वो हमारे समाज के हिसाब से ब्रिटिशों ने बनाए थे और उनमें आदि हमारे यहाँ एविडेंस एक्ट है या कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है या टॉर्च एक्ट है, सारे कानून जो है वो ब्रिटिशर्स के बनाए हुए आज भी हमारे समाज के लिए उतने ही मुफीद हैं जितने उस समय थे। उसमें थोड़ा बहुत माइन्यूट संशोधन हो गए थे। बहुत अच्छा जवाब दिया है, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था। इवन जब हमारा आईपीसी बना तो उस समय कौन थे? मैकॉले था। बैलगाड़ी पर कई सालों तक पूरे हिंदुस्तान में जा जा करके इंडियन कंडीशंस की स्टडी करके उस हिसाब से, इसीलिए उन्होंने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स या ये सब जो अपना सुप्रीम कोर्ट चेंज करने की कोशिश कर रही है या होमोसेक्सुअल सबको कानून अपराध रखा, जबकि ब्रिटेन में नहीं है,
पूरा इंडियन सिस्टम के तरह बनाया था। एक तो उसकी चेंज करने की जरूरत नहीं थी, ये बिल्कुल सही आंसर है। दूसरा ये है कि संविधान बनाने में कितने साल लगे, 2 साल 11 वर्ष 17 दिन। अगर हम संविधान के साथ साथ आईपीसी आईसीआरपीसी और ये सब भी बनाने लगते तो शायद 10-12 साल और लग जाते। तो क्या हम इतना वेट करते, क्योंकि 1947 की पोजीशन और 1950 की या 49-26 नवंबर की पोजीशन में सबसे बड़ा अंतर ये आया, 1949 में सत्ता किसको सौंपी गई, जो है एक तरह से सरकार को सौंपी गई थी, इंटरिम गवर्नमेंट को सौंपी, ट्रांसफर ऑफ पावर्स, सत्ता जनता को नहीं गई थी, जनता को सत्ता 26 जनवरी 1950 को, ट्रांसफर ऑफ पावर पब्लिक को हुआ ही नहीं था। सच्चे मामलों में डेमोक्रेसी नहीं बने तो कितना और इंतजार करते डेमोक्रेसी बनने।